हम सभी लोग सपोर्ट किए हैं, लेकिन आपके नोटिस को मैं ये लाना चाहता हूँ कि आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर को दिल्ली पुलिस ने पूरा घेरा डाल के रखा है और राहुल गांधी जी के घर को भी पूरा पुलिस घेरा डाल के रखा है। अगर ये सदन चल रहा है सब्जेक्ट इस विषय पर अगर बोलना हो आप तो वेलकम किए, सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग, वी आर सपोर्टिंग, इट शुड बी पास यूनानिमस, लेकिन इस सदन में अगर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा। नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट विषय कुछ और, इसलिए देखिए साहब, अगर जगह पे ढंग से सदन का विषय नहीं है, सदन में बहुत व्यवस्थित तरीके से बिल चल रहा है, कानून अपनी व्यवस्था कर रहा है, अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार के ऊपर इस बिल पर चर्चा का कोई मतलब नहीं। जब कारनामे ऐसे करो तो उस समय चिंता करनी चाहिए, ऐसे कारनामे करते हुए चिंता करनी चाहिए। आज आज हमें मत बताइए जो जो कारण है वो कारण की चर्चा करो, किस कारण से कार्रवाई हुई है वो कारण का जवाब दीजिए, कारण कारण जो होते हैं उसकी चर्चा करनी है तो करिए, लेकिन बिना बात के आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग से क्या है उसकी चर्चा करिए, और कानून की व्यवस्था कानून कर रही है, उसमें दखल अंदाजी सरकार नहीं करती। प्लीज 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 सर, माननीय सांसदों ने जैसे पूछा कि खेलों में क्या हुआ, बालाजी खेलों में क्या हुआ, वो दूसरे खेल की बात करें, मैं असली खेल की बात करें। माननीय मंत्री जी प्लीज प्लीज माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। सर बजट की मैंने बात कही कि 2013-14 में खेल का बजट जहां मात्र 866 करोड़ था उसको बढ़ाकर 2254 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है, और सर मैं इस तुलना में जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि पूछा गया, दूसरा पूछा गया क्या खेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर 2010 से लेकर 2016 तक मात्र 62 प्रोजेक्ट 342 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों में 2017 से 22 तक मात्र 5 वर्षों में 300 प्रोजेक्ट 2753 करोड़ रुपए की लागत से हम खेलों के पूरे देशभर में बना रहे हैं। सर हम कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, यही नहीं सर, हमने जो पैसा है वो भी द्रोणाचार्य अवार्ड 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया, और इसी तरह से ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी सर 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया है, और अर्जुन अवार्ड को भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया है। सर एक बात कही गई कि खिलाड़ियों के आने के बाद सम्मानित किया जाता है, पहले कुछ नहीं करते। सर मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। सर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच भी है, और उसका क्रियान्वयन भी जब धरातल पर किया गया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका मैं पहला चेयरमैन बना था। सर यहाँ पर खिलाड़ी के लिए उनके रहने की, खाने की, खेलने की, ट्रेनिंग की, विदेश जाने की, देश और विदेश के दोनों में टूर्नामेंट्स में भाग लेने का पूरा खर्चा मोदी सरकार वहन करती है, और 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है ताकि खिलाड़ी को पैसों की चिंता ना करनी पड़े, खेलों पर ध्यान रखे और मेडल जीते। यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा भारत ने जीते, और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। पैरालंपिक्स में पिछली बार 19 लोगों का कंटिंजेंट गया था, इस बार 19 मेडल जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। डेफलंपिक्स में 16 मेडल जीते, तो वहीं पर ही आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखिल जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, तो मनीषा मौन ने और दीपिका हुडा ने हमारे यहाँ पर गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। थॉमस कप बैडमिंटन में सर भारत ने 73 सालों में कभी गोल्ड नहीं जीता था, इस बार भारत के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल थॉमस कप में भी जीतने का काम किया। ये अपने आप सही कहा, आपने रातों रात नहीं हुआ। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, खेलो इंडिया सेंटर्स हो,
नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, साइट स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हो, ये एक्सटेंशन सेंटर्स हो, ये सारे प्रावधान किए गए और बजट में बढ़ोतरी की गई, तभी जाकर खिलाड़ियों को सहयोग भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये सर, जब वो खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जब युद्ध में भी सर, अगर जनरल साहब कहा गए तो जनरल साहब युद्ध में जब कोई जाता है, और कारगिल के युद्ध में सर अगर टाइगर हिल पर वापस कब्जा लेना था तो उससे पहले कहीं ना कहीं मनोबल किसने बढ़ाया? उस समय फौज के उस अधिकारी ने तो मनोबल बढ़ाया ही होगा। लेकिन मुझे आज भी याद है कारगिल युद्ध में जब वहां पर हमारे सैनिक शहीद हुए या जो जो वहां पर गंभीर रूप से घायल भी हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय किसी पद पर नहीं थे, कहीं पे मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनका हालचाल पूछने गए, और जब अस्पताल तो गए ही थे लेकिन जिस बंकर में जाकर अपने सैनिकों से मिल रहे थे वहां पर वो लोग ध्यान देकर रेडियो पर सुन रहे थे, एकदम से सबने भारत माता की जय करनी शुरू कर दी। क्यों? उस समय अटल जी ने निर्णय लिया था कि मैं देश से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक एक एक इंच भारत भूमि की वापस नहीं ले सकते। तो जवानों को लगा कि देश के प्रधानमंत्री साथ में खड़े हैं। इसी तरह से मोदी जी आज जब हमारे देश के खिलाड़ी दुनिया के किसी दूसरी धरती पर जाकर खेल को एक युद्ध भूमि के रूप में अगर देखें, अगर वहां पर हिस्सा लेने जाते हैं तो उनके जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करके मनोबल बढ़ाते भी हैं, समय पर वहां पर बात करनी तो भी करते हैं, और आने के बाद भी प्रधानमंत्री निवास पर खिलाड़ियों को बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। एक बड़ा बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आया है। मैं तो पिछले 22 साल से सर खेलों से जुड़ा हूं, कभी खेल संघों के अध्यक्ष से लेकर आज खेल मंत्री तक, मैं जानता हूं कौन किस समय कितने लोग मिलते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ बदला है, सोच बदली है, सुविधाएं बदली है, और हमारे खिलाड़ियों ने देश के मान सम्मान और मेडल जीतने का काम भी करने का काम किया है। दूसरा सर, फिट इंडिया कैंपेन को भी हमने आगे बढ़ाया, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज पूरे देश भर में किया सर। फिट इंडिया क्विज भी हमने किया, मैं सबको, क्योंकि जाने की जल्दी होगी मैं उस पर समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि सबने आम सहमति के साथ किया। सर दो बातों पर मैं जरूर ध्यान देना चाहता हूँ, एक माननीय सांसद एक राज्य की बड़ी बड़ी बातें करके गए सर, और मैं बैठे बैठे देख रहा था सर कि किया क्या है, और मैंने सोचा कि चलो उस राज्य का बजट का प्रावधान कितना जरा उसको भी बुलाकर देखा जाए। सर बजट बढ़ाना तो दूर की बात, बजट बढ़ाना तो दूर की बात सर, 284 करोड़ रुपया उन्होंने 2020-21 में दिल्ली सरकार ने खेल का बजट रखा था, मात्र 40 करोड़ रुपए खर्च किए, और यही नहीं सर बजट लगातार कम किया है, उसको कम करते करते 116 करोड़ और अब 115 करोड़ शायद इस पे ले आए, मैंने कागज यहीं पे रखा था, वापस आपको पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि कागज भी थोड़े नहीं, रिकॉर्ड पे आंकड़ा ठीक जाना चाहिए सर। दूसरी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि ये किया वो किया, वो जिस खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं वो शायद हवा में बना, जमीन पे तो कहीं नजर आता नहीं है। और बड़ी बात तो ये है, जो आरोप वो उत्तर प्रदेश पर लगाकर चले गए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं कि अगर देश में टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के बाद देश की सरकार ने तो दिए ही पैसे, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपने खिलाड़ियों को भी सम्मानित करके उनको कैश रिवॉर्ड्स दिए, उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के खिलाड़ियों को बुलाकर भी करोड़ों रुपए देकर सम्मानित किया, और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना भी रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया है सर। इसलिए मैं सारे बातें यहां पर लानी इसलिए आवश्यक थी कि देश को जानकारी मिले, कोई गलत आंकड़ा वहां पर ना जाए। बाकी जहां तक दिल्ली की सरकार की बात है, इन्होंने लगातार बजट में कटौती ही की है, 280 करोड़ केवल दिखावे के लिए था, 40 करोड़ ही खर्च किया, फिर 116 करोड़, शायद 115 करोड़ पे आ गए।